गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। फिर आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, जल्दी से बुक ओपन करो अपनी। देखो इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे कि ये सारी की सारी जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, डबल डैश का मतलब है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है, ये हमने प्रूव करके दिखा। याद रखें ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये हमारे पास गिवन है और ये वाले हमने प्रूव करने हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड इक्वल प्रूव कर दो, लेफ्ट राइट साइड इक्वल प्रूव कर दो और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 और ये प्रूव करना है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 और ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट, डी वाई बाई डी एक्स या y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही x का डेरिवेटिव एक ही x होगा और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा y डबल डैश, और एक ही x का डेरिवेटिव एक ही x ही होते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट साइड है, तो हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, राइट के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो टेक ए लेफ्ट हैंड साइड y डबल डैश माइनस y डैश, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू e पावर x, y डैश की वैल्यू e पावर x, तो ई एक्स ई एक्स कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करके दिखाने थी। ओके बेटा, क्लियर दिस क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड अटैम्प्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, ये हमने प्रूव करना है कि वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो वाई गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो पहले एक डेरिवेटिव कर लें, तो वाई डैश डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स, तो टू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 और सी का डेरिवेटिव 0, जिसके साथ एक्स नहीं है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वाई डैश बन गया। क्लियर, तो इन दोनों यहाँ पर ये प्लस में है, इन दोनों को लेफ्ट में ले आओ, तो वाई डैश माइनस टू एक्स हो गया, माइनस टू इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था कि वाई डैश में से टू एक्स और टू को माइनस कर दो तो कितना आंसर आ रहा है 0, तो यही हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हेंस प्रूफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपने अपने आप करना है, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये मैं कराता हूँ, और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपने अपने आप ही करना है। ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ और फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसके साथ मैं सिक्स्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास गिवन है वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। कहता है कि हम इसका डेरिवेटिव कर दो तो ये आंसर आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज y इज इक्वल, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट की जगह हमने 1 बाई टू लगा दिया। चलो डेरिवेटिव करते हैं इसका, फिर देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो y डैश हो गया। कैसे करेंगे, पहले पावर को आगे लाओ, एक पावर कम कर दो,
तो यहाँ पे हाफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन बाई टू में से वन कम कर दो तो माइनस वन बाई टू। अब अंदर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वन इज ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स हो जाएगा। ओके, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वाई डैश इधर से रह जाएगा एक्स, और ये ब्रैकेट नीचे चली जाएगी और पावर प्लस में हो जाएगी, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव तो हो गया। आप जरा ध्यान से देखो, जो हमने प्रूव करना था तुम्हारे पास तो ये था, लेफ्ट साइड तो ये वाई डैश, यहाँ पर एक्स भी है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट है। तो मेरे को यहाँ से इस रूट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो वाई डैश इज इक्वल एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ से रूट हटाना है, तो क्या करें, इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी से ही इसको डिवाइड कर दो। ओके, तो ऊपर क्या बन जाए, एक्स, और यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और डिवाइड में इस रूट को इस रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दोनों सेम है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो रूट है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये वाई के, तो इस रूट की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लें इक्वेशन नंबर वन, यहाँ से लिख लें बाई इक्वेशन नंबर वन से, तो इस रूट की जगह मैं वाई लिख देता हूँ, ये वाला वाई डैश एज इट इज, यहाँ से एक्स, इस रूट की जगह y लिख दो, और डिनोमिनेटर यहाँ पर एज इट इज, यही हमने प्रूव करके दिखाना था, एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो कम्प्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपने अपने आप ट्राई करना है, मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स करा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू गिवन है x साइन x के, और ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, ये y डैश, तो पहले हम डेरिवेटिव तो कर लें, बाकी फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, ऑन बोथ साइड यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट लग रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो वाई डैश हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से, ठीक है, इसको टू टाइम्स लिख लें, मैंने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी करवाया था। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, टू टाइम्स लिख लें, बिल्कुल सिंपल, यहाँ सेकंड टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लगा लें, यहाँ फर्स्ट पे लगा लें। ठीक है, ठीक है, दो बार लिख के यहाँ सेकेंड पर डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट पर, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक, तो यहाँ से वाई डैश, यहाँ पर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये साइन एक्स। ओके बेटा, क्लियर है, देख लो, एनी डाउट? ठीक है, तो और यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड को सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में, इधर कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। चलो लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा एक्स, वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, वाई डैश की वैल्यू ये जो अभी हमने निकाली डेरिवेटिव करके, एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाए एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स साइन एक्स, हो गया लेफ्ट हैंड साइड। चलो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट साइड पे जो लिखा है वो लिख लें यहाँ पे, y प्लस एक्स, और यहाँ से हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, y किसके इक्वल है हमारे पास, x साइन x के, तो यहाँ पर इस y की जगह हम ये लिख सकते हैं, देखो x साइन x, ये वाला x एज इट इज लिख दें, यहाँ पर हमारे पास ये रूट है, इधर ये एक्स स्क्वायर है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स की वाई की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली एक्स साइन एक्स यहाँ लिख दें। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर कर दें, क्लियर। तो चलें यहाँ थोड़ा और ठीक करते हैं इसको, यहाँ पर है हमारे पास एक्स साइन एक्स प्लस में, यहाँ पर एक्स, देखो ये वाला जो स्क्वायर है वो इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो रूट के अंदर वो एक्स बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लास्ट लाइन बस, एक्स साइन एक्स प्लस में ये एक्स स्क्वायर
यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कट हो गया। यहाँ से हमारे पास एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये कॉस एक्स, देखो सेम आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और इधर से ये एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, ये दोनों टर्म सेम आ गए तो हमारे पास क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके बेटा क्लियर दिस क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपने अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप डेरिवेटिव करें, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का लॉग वाई का 1/y, वाई का डीवाई बाई डी एक्स, सी का 0, ठीक है। तो फिर वाई डैश एक तरफ कर लेना, बाकी आप एक तरफ कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ। वाई माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ओके चलो देखो वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स ये गिवन है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ वाई डीवाई बाई डी एक्स या वाई डैश माइनस कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, ठीक है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का होगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, अब इस एंगल का डेरिवेटिव भी होगा तो वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ओके तो यहाँ से हम वाई डैश कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से रह जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हमारे पास साइन वाई इज इक्वल टू 1। ओके ये ब्रैकेट मल्टीपल में लाएगी तो डिवाइड में, तो वाई डैश किसके इक्वल हो गया 1/1 प्लस साइन वाई। ओके तो अब हम क्या करें, ये लेफ्ट हैंड तुमने डेरिवेटिव तो कर लिया, चलो अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ राइट के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस में एक्स और यहाँ से ये वाई डैश, ठीक है। राइट साइड पर क्या लिखा है देखो वाई, यानी कि हमने इसको वाई के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस एक्स को ख़त्म कर देता हूँ, कैसे, यहाँ से क्या लिखें इधर ये एक्स लिखा है ना, एक्स की वैल्यू पुट कर दो वाई इक्वेशन नंबर 1 से, तो एक्स किसके इक्वल है वाई माइनस कोस वाई, तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर, क्योंकि हमने सारा आंसर वाई में बनाना है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने हमारे पास वाई साइन वाई प्लस कोस वाई, इस एक्स की जगह ये वाली टर्म लिख दें तो यहाँ पर आ गया प्लस के वाई माइनस के कोस वाई, और यहाँ पर आप वाई डैश की वैल्यू पुट करें ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/1 प्लस साइन वाई, ओके कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, बाकी लिख लेते हैं यहाँ से वाई साइन वाई प्लस में वाई, और ये टर्म है इट इज 1/1 प्लस साइन वाई। अब क्या करना चाहिए बोलो बेटा, यस इसके अंदर से वाई कॉमन ले लें तो y कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा साइन y, y कॉमन तो 1, और ये टर्म एज इट इज 1/1 प्लस साइन y, ठीक है। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गए, क्या रह गया y, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके बेटा क्लियर दिस क्वेश्चन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9th इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल है टेन इनवर्स वाई के, ठीक है ये गिवन है, ये प्रूव करना है वाई स्क्वेयर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10th है ये गिवन है ये प्रूव करके दिखाऊँ। चलो मैं दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ लिख लें पहले डिफरेंशिएट with respect to x on both side of equation number 1, ठीक है। तो derivative of x is 1, derivative of y is dy by dx, tangent inverse का derivative, tan inverse का derivative होता है 1/1 plus angle square,
ओके, वन अपॉन वन प्लस वाई का डेरिवेटिव वाला चैप्टर निकालो, उसके अंदर देखो मैंने फॉर्मूले आपको सब लिखवा रखे हैं पहले, ठीक है। और ये तो हो गया टेन इनवर्स का, अब वाई का भी डेरिवेटिव होगा, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या करें बोलो, क्रॉस कर दूँ, ये डिवाइड मैंने इधर लाकर इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो वन प्लस वाई डैश वन प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डैश। आप ऐसे भी कर सकते हो कि वाई डैश एक तरफ कर लो, ठीक है, सारा फिर लेफ्ट साइड और राइट के इक्वल वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें, वन से दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो वन प्लस वाई स्क्वेयर वाई डैश को दोनों से मल्टीप्लाई, वाई डैश को वन से, वाई डैश को वाई स्क्वायर से, तो वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना है हमारे पास वाई डैश, वाई डैश इधर भी है वाई डैश इधर भी, इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी लिख लो वन प्लस वाई स्क्वेयर यहाँ से वाई डैश वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। यही हमने प्रूव करना था, देखो वाई स्क्वेयर ये रहा वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हेंस प्रूफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर टेंथ अटेम्प्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये भाई हमारे पास गिवन है, ये हमने प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या करें, इसमें अंदर रूट तो है ही नहीं, यहाँ पर रूट है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, पहले आप दोनों तरफ है ना स्क्वायर कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। आप डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। डेरिवेटिव वाई स्क्वायर इज, पावर आगे एक पावर कम, और ठीक है पावर आगे एक पावर कम, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश, डेरिवेटिव ए स्क्वायर इज जीरो यहाँ से माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना टू एक्स, यहाँ पे टू वाई, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं देखो टू इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो टू से टू कट हो गया, तो यहाँ वाई, वाई डैश को ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं माइनस एक्स, इस एक्स को लेफ्ट में ले जाओ, तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया जीरो के। यही हमने प्रूव करके दिखाना था, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर। सबसे पहले तो ये देखो कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म दे रखे हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टर्म ना दे रखी हो, ठीक है। जैसे अब ये है देखो, ये क्या है हमारी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। सबसे पहले तो ये देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिखा होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया, ये डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये सारी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारे क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, यानी इसको सॉल्व करके ये आता है और इसको सॉल्व करके ये वाला आएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, समझ में है ना। जैसे इसका इसका तो डेरिवेटिव करके आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये वाला है, याद रखे, देखिए यहाँ पर ये सी लिखा है, देखो ये सी लिखा है ना, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने हैं सी, एक ही कॉन्स्टेंट है इसके अंदर सी, यानी इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है, जिसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे देखो वन, यहाँ पर एक ही डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं सिर्फ एक ही है। अब जैसे यहाँ पर है देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर कितने डेरिवेटिव हैं एक ही है ना, तो इसके अंदर कांस्टेंट कितना है एक ही है ए, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऑर्डर एक है, तो इसके कांस्टेंट कितना है एक है। यहाँ पर भी देखो, इसका अंदर एक ही डेरिवेटिव है, कांस्टेंट कितना है एक, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो डेरिवेटिव एक है, ऑर्डर वन है, और कांस्टेंट कितना है एक, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है याद रखिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे सी नहीं लिखा हुआ तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, समझ में ना। ऐसे अब ये क्वेश्चन था, उसने क्या लिखा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने आएंगे इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर,
यानी कि फोर्थ ऑर्डर मतलब चार बार डेरिवेटिव किया गया। अगर आपने चार बार डेरिवेटिव किया तो उसके अंदर चार ऑर्बिटरी कांस्टेंट बनेंगे। अगर थ्री डेरिवेटिव करेंगे तो तीन कांस्टेंट, दो करेंगे तो दो, ठीक है ना। द नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट होता ही नहीं है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, यानी ऑर्डर थ्री है लेकिन उसने साथ में क्या लिखा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं होती, तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, डी। यहाँ पर भी डी है, यहाँ भी डी है। ओके बेटा, याद रखें जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितना ऑर्डर है उतने ही कांस्टेंट, ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर चाहे ऑर्डर जितना मर्जी हो, पर्टिकुलर के अंदर हमेशा ही कांस्टेंट टर्म, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आएंगे, जीरो। ओके, तो इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ओके बेटा, थैंक यू।